तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड नंबर 394। तो एपिसोड का नाम है रेस्क्यू कैमी द आर्किपेलागोस लिंगरिंग डार्क हिस्ट्री। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि संची फ्लाइंग फिश राइडर्स को कॉल करता है अब आके। हाँ, वो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। तो तभी दुवाल के पीछे से आवाज़ आती है, मास्टर ये मैं हूँ हैंडसम मल दुवाल। हेलो मास्टर संजी। छोड़ो ये सबको, एक मरमेड को किडनैप कर लिया गया है इसलिए तुम्हें बुलाया है। हमें बुलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अभी एक शहर जो लड़कियों से भरा है उसमें गया था। तो अभी उस शहर का सीन आता है। बॉस बॉस वो देखो लड़कियां। तो दो लड़कियां जा रही होती हैं और दुवाल उन्हें बुलाता है, हेलो आई एम हैंडसम, क्या कहती हो एक ड्राइव पे चलना चाहोगी मेरी मोटो बाला पे। ये देखकर लड़कियां हंसकर वहां से चली जाती हैं और अब प्रेजेंट का सीन आता है। मैं उतना फेमस नहीं था जितना मैंने सोचा था। तो संजी कहता है, तुम अपनी शक्ल ठीक कर सकते हो लेकिन अकल तो तुम्हारी वैसे ही रहेगी ना। तो दुवाल पूछता है, छोड़ो तो हमें उस मरमेड को बिकने से पहले बचाना है ना। तो संजी कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें इस आइलैंड के बारे में पता होगा, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, आप सभी इन फिशेस पर बैठ जाओ। तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे। मास्टर जो इस धंधे में काम करते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मैं ऐसे कई ग्रुप्स को जानता हूँ जिनका इसमें हाथ हो सकता है। पहले हम आपके दोस्तों को इकट्ठा करेंगे जो इस आइलैंड पर बिखरे हुए हैं और साथ ही हम पता लगाएंगे कि किसने कैमी को उठाया है। तो चलो मेरे यारो। तो अब वो सभी निकलते हैं सफर के लिए। हमारे हैं कैमी। ओ दुवाल जल्दी चलो, मास्टर मोटोबाला पहले से ही अपनी मैक्स स्पीड पर है। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ हम फुल स्पीड पर चल रहे हैं, क्या ये मैक्स स्पीड है। अब सब ऑडी अम्यूजमेंट पार्क का सीन आता है। तो चॉपर टेंशन में होता है, काश कुछ गलत ना हो। तो अभी पहले का सीन आता है, संजी अब हम क्या करेंगे। सुनो चॉपर, कहीं मत जाना चाहे कुछ भी हो, मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए। ओए लूफी, संजी ने कहा है कहीं मत जाना, लेकिन चॉपर की बातें सुनने से पहले ही वो चले जाते हैं। और अभी प्रेजेंट का सीन, ऐसे टाइम पर अलग अलग होना खतरनाक होगा। ओए ब्रुक, बुलाया तुमने, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, कैमी किडनैप हो चुकी है, उसे बेच दिया जाएगा, वो एक गुलाम बनकर रह जाएगी। चॉपर मेरे बेटे, संजी ने बता दिया है कि हमें क्या करना है, हम कुछ भी करें फिर भी हम दोनों उतना ही टाइम वेट करेंगे, ऐसे परेशान रहने से दुविधा को सुविधा में नहीं बदला जा सकता, तो फिर क्यों ना हम दोनों अपना समय बिल्कुल शांति और ठंडे दिमाग के साथ गुजारें। ओहो अब मैं समझा। तो उसे फ्लाइंग फिश के साथ वहां पहुंच जाता है। वो रे वो दो तो वहां है बेंच के पास। ओए तुम दोनों हम तुम्हें लेने, ये तुम इतने मजे क्यों कर रहे हो। ओह तो सोप आ गया हमें लेने के लिए। लूफी और बाकी सब पहले ही कहीं चले गए लेकिन हम यहाँ शांत मन के साथ बैठे हैं जैसा कि सांझी ने कहा था। तो अब उसोप दोनों के एक एक चपेड़ मारता है, चलो ऑपरेशन कैमी को बचाएंगे, अपने दिल की आग से मचाएंगे, हाँ चलो अपनी पूरी ताकत के साथ। सभी किडनैपर्स के अड्डों पर चेक करना, कोई भी बच ना पाए पता लगाना ही होगा इसके पीछे कौन है। और हाँ स्ट्रॉहैट्स के बाकी मेंबर्स को भी उठा लेना। लीडर चलो अलग अलग हो जाते हैं, जल्दी करो रोजी लाइफ राइडर्स, हमारे पास वक्त की कमी है। इतना काफी होगा, क्या तुम इस सांड का कुछ कर नहीं सकते, मुझे भी उन फ्लाइंग फिश के साथ ही जाना चाहिए था। हाँ क्या आपने अभी अभी हैंडसम कहा मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम गैंग के बॉस हो दुवाल, फिर तुम सबसे तेज क्यों नहीं हो। आप कहना क्या चाहते हो, ऑफ कोर्स मैं अपनी टीम का सबसे खूबसूरत मर्द हूँ। छोड़ो अब हम चलते हैं। तो अब जोरो का सीन आता है, जो उस इंसान को जिसे गोली लगी थी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके बाहर आता है। अब आगे, अब मुझे शिप पे वापस चलना चाहिए, वो था ग्रोव नंबर 1। तो अभी एक इंसान बेचने और खरीदने वाली शॉप का सीन आता है, किसी ने हमारे दोस्त को पकड़ लिया है, क्या कोई यहाँ मरमेड बेचने आया था अंकल जी, मुझे नहीं पता, और हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने आप को इस मसले से दूर ही रखो। आखिरी बार पूछूंगा, क्या कोई यहाँ मरमेड बेचने आया था या नहीं। नहीं नहीं कोई नहीं आया। तो अभी वो सड़क पर आकर चिल्लाते हैं, कैमी कहाँ हो तुम। पेपू को रोता हुआ देखकर लूफी कहता है, ओए इतना रोने की भी कोई वजह नहीं है। तो पेपू बोलता है, ये सब मेरी ही गलती है, वो अम्यूजमेंट पार्क बेस्ट जगह थी उन किडनैपर्स के लिए, कैमी को पकड़ने के लिए, मुझे पता था कि वो मरमिट्स को नहीं छोड़ते, और फिर भी मैं नहीं चाहता कि वो कैमी के साथ मेरी आखिरी मुलाकात हो, मैंने ही उसे अम्यूजमेंट पार्क जाने दिया,
फिर लूफी को याद आता है कि कैसे एम्यूजमेंट पार्क के टाइम पे क्यामी कितनी खुशी से रो रही थी और मुस्करा रही थी। तो लूफी बोलता है, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन क्यामी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। एम्यूजमेंट पार्क जाना एक अच्छा आइडिया था। तो अभी नामी और रॉबिन का सीन आता है, जिन्हें फ्रेंकी बताता है, जल्दी फ्लाइंग फिश पर आ जाओ, क्यामी किडनैप हो चुकी है। और अब फिर से लूफी वाला सीन पर। तो लूफी कहता है, तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तीनों मेरे दोस्त हो, हम क्यामी को बचाएंगे चाहे कुछ भी हो, इसलिए रोना बंद करो। तो वहाँ फ्लाइंग फिश राइडर्स पहुँचते हैं, जिनके साथ वो तीनों आगे का सफ़र करते हैं। तो अभी ग्रुप वन का सीन आता है, और ये है ह्यूमन ऑक्शन हाउस, जहाँ उन गुंडों का बॉस पूछता है, क्या सबमिशन के लिए टाइम है अभी? तो दुकान वाला कहता है, आज की मेन आइटम एक बहुत बड़ा राक्षस है, तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे जब तक तुम कोई स्पेशल आइटम नहीं लाते। ये लो, खुद देख लो। ओह शिट, ये तो मरमेड है, ये तुम्हें कैसे मिली? इस पे तो लोग पैसों की नदियां बहा देंगे। तो ठीक है, इसे अच्छे दाम में बेचना। ओके, बाद में आ जाना अपने पैसे लेने। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन्स पहुँचते हैं। वेलकम वेलकम, प्लीज़ अपनी VIP सीट्स पर बैठिए। तो लड़की बोलती है, चार्लस ब्रदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो उनका पिता बोलता है, ऐसा ही होता है एक थके हुए इंसान की सवारी करने पर, अगर तुम्हें सवारी करनी ही है तो किसी फिशमैन की करो, उनमें इंसानों से 10 गुना ज़्यादा ताकत होती है। तो हम देखते हैं कि उन फेमस पायरेट्स में से उस्ताद किड भी वहाँ मौजूद है। अगर कुछ अच्छा माल हुआ तो हम भी खरीदेंगे। बॉस वो देखो, ट्रफैल्गर लॉ, इनाम 200 मिलियन। मैंने इसके बारे में काफ़ी खतरनाक अफवाहें सुनी हैं। तो अभी तीन आदमी कैमी को पिंजरे में लेकर जा रहे हैं, और उनमें से कोई एक वो ब्लास्ट होने वाला पट्टा लेकर आता है, जिसे देखकर कैमी को वो सब याद आता है। तो अभी इस ऑक्शन हाउस का मालिक आकर बोलता है, ओह क्या ये वही मरमेड है जो अभी अभी आई है? कितनी कमाल की है जी, इसका तो अच्छा पैसा मिलेगा। ये सुनकर कैमी अंकल को अपनी जीप दिखाती है, और अंकल भी रहम नहीं करते, साथ की साथ चपेड़, दोबारा ऐसा किया तो यही मौत दिखा दूंगा तुझे। हाँ जिन, तुम सबको बहुत मारेगा। ओए मुझे वो पट्टा पकड़ा, इसकी गर्दन पे मैं ये खुद डालूंगा। कैमी उस पट्टे को देखकर हिलाने लगती है, और वो आदमी और जोर लगाता है, लेकिन तभी वो आदमी बेहोश। ओए बड़े अंकल, ज़्यादा शरीफ मत बनो, वो हाकी एनर्जी अभी तुमने ही छोड़ी थी है ना, आखिर कौन हो तुम? तो अंकल जवाब देता है, बस एक आम बुढ़ा आदमी जो शिप्स की कोटिंग करता है, ये है फॉर्मर वाइस कैप्टन ऑफ रॉजर पायरेट, नाम सिल्वर रेले, पायरेट किंग का सेनापति, टू बी कंटिन्यूड।